एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ, क्राउन एरिया पे अगर हमारे बाल बहुत पतले हैं, स्कैल्प दिखती है, तो आपको किस तरीके की हेयर स्टाइल करनी चाहिए। ये मेरे एक व्यूअर्स ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि मैम इस टाइप का हेयर स्टाइल बताइए जो क्राउन एरिया पे बहुत कम हेयर है, तो आपको किस तरीके से हम उसको हाइड कर सकते हैं अपने स्कैल्प, क्राउन एरिया के स्कैल्प को। तो आज मैं इसी टाइप्स की वीडियो लेकर आई हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की न्यू न्यू वीडियो की अपडेट आप लोगों से मिस ना हो। और सेकेंड चैनल है प्रीति वाई टू, जिसपे कि मैं अपने सिलाई से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ, तो प्लीज़ वहाँ पर भी जाकर चेकआउट कर लीजिएगा। इंस्टा आईडी प्रीति वाई 24 है, वहाँ पर मेरी कॉमेडी एंड मेकअप ट्यूटोरियल्स वीडियोज देखने को मिलेंगी। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है उसके लिए आपको क्या करना है, ये सारे हेयर स्टाइल मैं बहुत इजी तरीके से बताऊंगी और क्लचर की हेल्प से बताऊंगी। तो क्लचर की हेल्प से पतले हल्के बालों में अपने क्राउन एरिया को इस तरीके से आप हाइड कर सकते हो। अगर क्राउन एरिया पे बहुत पतले बाल हैं तो आप हेयर स्टाइल करते टाइम इस चीज़ का ध्यान रखिए कि डायरेक्ट आप बन मत बनाइएगा, थोड़ा सा ईयर टू ईयर पहले पार्टिंग कर लीजिए अपने बालों की। इस साइड से भी हेयर को छोड़ेंगे। उसके बाद अपने सारे बालों को लेंगे, बैक के जितने भी हेयर हैं सबको ले लेंगे। और आपका जैसे क्राउन एरिया जहाँ तक है, जहाँ पे मतलब स्कैल्प हेयर बहुत ज़्यादा दिखता है, स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखता है, वहाँ तक अपनी पोनी को लेके आएंगे और एक रबड़ बैंड की मदद से अच्छे से पोनी को टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेंगे। ओके, इस तरीके से लगाओगे तो फर्स्ट तो ये क्राउन एरिया पे ही आपकी पोनी हो गई, जिससे आपका कुछ हद तक जो स्कैल्प दिखता है वो हाइड हो जाएगा। देन आपको इसके साथ थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींचना है, ताकि जो आपका स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिखता है तो वो ना दिखे। ओके, उसके बाद से अपने बन को आप बना लो, जैसे भी बनाना है। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से ये हेयर स्टाइल टूल्स को पोनी के अंदर डालूँगी और सारे बालों को इसके अंदर इस तरीके से इंसर्ट कर दूँगी और यहाँ पर इस तरीके से इस हेयर स्टाइल टूलिंग की मदद से पोनी के हेयर को खींच लेंगे। ये हेयर स्टाइल टूल होता है तो हमको इस तरीके से ट्विस्टिंग करने में काफ़ी हेल्प मिल जाती है। देन यहाँ पे आपको रबड़ बैंड के जस्ट ऊपर में क्लचर को लगाना है। ओके ओके, उसके बाद से जो आपका हेयर बचा हुआ है उसको अच्छे से कॉम करेंगे और एक और रबड़ बैंड लेंगे और इस तरीके से आप करके देख लीजिएगा कि आपका क्लचर अच्छे से हाइड तो हो जा रहा है। वहाँ पे आप रबड़ बैंड को, पतले वाले रबड़ बैंड को लगा दीजिए और इस तरीके से थोड़ा सा फैलाएंगे इसको और जो आपके रबड़ बैंड का एंड पार्ट है उतना हेयर इसके अंदर इंसर्ट करके क्लचर के ऊपर से इसको लेके आएंगे और यहाँ पे यू पिन की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो अगर आप इस तरीके से हेयर स्टाइल बनाओगे तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, जिससे कि आप अपने क्राउन एरिया के स्कैल्प को हाइड कर सकते हो। उसके बाद जो आपका हेयर बचा है इसको कॉम करेंगे। आप चाहो तो मांग रख सकते हो और चाहो तो जो ये आपकी मांग है इसको हाइड कर सकते हो और इस तरीके से ऊपर से की तरफ से लेके जाएंगे और बन के चारों तरफ हेयर को लपेट देंगे और एक यू पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। ओके, अगेन दूसरे साइड के हेयर को कॉम करेंगे, सॉरी क्लिप मैंने बाद में निकाली, और इस तरीके से इसको हेयर को लेके जाएंगे और इसको इस तरीके से नीचे की तरफ से लेके जाएंगे और ऊपर की तरफ लाके जुड़ा क्लिप की मदद से इसको सिक्योर कर लेंगे। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल है, जिसमें भी आपके क्राउन एरिया के हेयर दिखते होंगे वो हाइड हो जाएंगे। और इसके बाद भी अगर दिख रहे हैं तो थोड़े थोड़े हेयर को इस तरीके से खींच लीजिए, देन दैट्स इट, आपका हेयर स्टाइल कम्प्लीट है। तो ये हमारा फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया क्राउन एरिया के हेयर को छिपाने के लिए, क्राउन एरिया के स्कैल्प को छिपाने के लिए फर्स्ट हेयर स्टाइल हो गया बन हेयर स्टाइल। तो इसका लुक कुछ इस तरीके का आएगा।
तो चलते हैं सेकंड हेयर स्टाइल की तरफ, जिससे कि आप अपने क्राउन एरिया का जो स्कैल्प दिखता है उसको बहुत ही आसानी से छिपा सकते हो और हेयर स्टाइल भी काफ़ी स्टाइलिश लगेगा। ये वाला हेयर स्टाइल आप जींस टॉप के साथ ऑफिस गोइंग गर्ल हो, आपके हेयर बहुत पतले हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो। तो चलिए सेकेंड हेयर स्टाइल स्टार्ट करते हैं। सेकेंड हेयर स्टाइल भी बहुत पतले बाल है, क्राउन एरिया की स्कैल्प दिख रही है उसके लिए ये है। तो आपको पहले अपने बालों की पार्टिंग कर लेनी है, ईयर टू ईयर पार्टिंग कर लेनी है बालों की, और बाकी सारे बालों का बैक में एक हाई पोनी बनाना है। अब यहाँ पे इसको एक रबड़ बैंड से अच्छे से टाइटली रबड़ बैंड को लगा लेना है, एकदम ऊंचा पोनी बनाना है। अच्छे से रबड़ बैंड को लगा लेंगे टाइटली पूरा, ओके। इस तरीके से लगाने के बाद से सारे हेयर को फ्रंट की तरफ लेके आएंगे, सॉरी सारे को नहीं, हाफ हेयर को फ्रंट की तरफ लेके आएंगे इस तरीके से, और एक क्लचर ले लेंगे। क्लचर को यहाँ पे लगा देंगे जो पोनी का हेयर था उसके जस्ट ऊपर में। उसके बाद इसको बैक साइड में लेके जाएंगे इस तरीके से, क्लचर को हाइड करते हुए, और यहाँ से ट्विस्ट करके क्लचर को अच्छे से हाइड करेंगे। देन अगेन इसको अंदर की तरफ से बाहर की तरफ तक लेके जाएंगे और इसी क्लचर के अंदर नीचे के हेयर को भी लगा देंगे, ओके। इतना करने के बाद से आपका जो बैक का हेयर है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेना, ओके। टू पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद से इसको इस तरीके से क्रॉस कर लेंगे और ऊपर की तरफ से ऐसे लेके आएंगे। इस तरीके से अगेन क्रॉस करेंगे, जितना भी आपका हेयर है उस हिसाब से आप अपना कर लीजिएगा और यू पिन से इसको सिक्योर कर देंगे। तो आप इस तरीके से, अगर आपके क्राउन एरिया पे बहुत पतले बाल हैं, आपका हेयर दिखता है, स्कैल्प दिखता है, तो आप इस तरीके की हेयर स्टाइल करिए जिससे कि आपका बन बहुत ऊंचा बने और बन बहुत ऊंचा बने और आपका हेयर स्टाइल जो स्कैल्प है वो दिखे नहीं। और मैं ऐसे भी हेयर स्टाइल लेके आऊँगी जैसे क्राउन एरिया पे स्कैल्प दिखती है, तो आप किस टाइप का हेयर स्टाइल करोगे तो आपका जैसे लो बन हेयर स्टाइल भी लेके आऊँगी क्राउन एरिया के स्कैल्प को हाइड करने के लिए। अब जो आपके हेयर्स बचे हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेके ट्विस्ट करना है, पतला पतला सेक्शन लेके बालों का एंड तक पूरा ले लीजिएगा जितना आपका हेयर है, और इसको इस तरीके से ऊपर की तरफ से लेके ट्विस्ट करिएगा, और ट्विस्ट करते हुए बैक साइड में लेके जाएंगे और पोनी के जो बन का हेयर बन है उसके चारों तरफ लपेट देंगे और यू पेन पिन से इसको सिक्योर कर लेंगे। ट्विस्टिंग, अगर स्कैल्प बहुत ज़्यादा दिख रही है तो थोड़ा थोड़ा सा अपने ट्विस्टिंग को लूज कर लीजिएगा जिससे कि आपका स्कैल्प का हेयर जो है, सॉरी जो है स्कैल्प है वो ना दिखे। उसके बाद से अगेन अपने आपका जो हेयर है उसको ट्विस्ट करेंगे, जैसे फ्रंट के जैसे हमारा हेयर बहुत ज़्यादा झड़ता है तो यहाँ के हेयर जो होते हैं बहुत छोटे जाते हैं, तो आप यहीं से ट्विस्ट, पहले थोड़ा सा सेक्शन ले लीजिए बालों का फिर ट्विस्ट कर लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो और आपका जो हेयर है बेबी हेयर्स हैं वो बाहर ना निकले हेयर स्टाइल से। अच्छे से इसको भी कॉम करेंगे और इस तरीके से लेके जाएंगे बैक साइड में और बन के चारों तरफ लपेट देंगे। फिर से जो आपका हेयर बचा हुआ है उसको भी लेंगे एकदम एंड पॉइंट से, जहाँ से आपके हेयर छोटे छोटे दिख रहे हैं वहाँ से ट्विस्टिंग करते हुए लेके जाएंगे। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा जहाँ भी स्कैल्प दिख रही है वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा हेयर को खींच लीजिएगा और थोड़ा बाउंसी लुक दे दीजिएगा। अब इसको भी यू पिन की मदद से सिक्योर कर लेंगे। एक साइड का तो हमारा कंप्लीट हो गया,
दूसरी साइड भी सेम इसी तरीके से बनाना है। पतला पतला सा सेक्शन लेना है बालों का और ट्विस्ट करना है। और दूसरी साइड से इसको लेके जाना है, बन के चारों तरफ लपेटना है और इसको सिक्योर कर लेना है। अगेन थोड़ा सा हेयर लेंगे और ट्विस्ट करेंगे। तो इस तरीके से आप पार्टी वगैरह में पतले हल्के बालों में क्राउन एरिया पे बहुत ज़्यादा स्कैल्प दिखती हो तो ये सारे हेयर स्टाइल ट्राई कर सकते हो। और बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है इस हेयर स्टाइल में, ईजिली आप बना सकते हो। ये सारे हेयर स्टाइल टूलिंग्स जो मैं हेयर स्टाइल बताती हूँ सबके घर पे मिल जाती हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो। तो ये थे दो बहुत ही सुंदर से हेयर स्टाइल जो कि क्राउन एरिया के स्कैल्प को हाइड भी करते हैं और आपके हेयर स्टाइल को बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और आपको कैसा लगा हेयर स्टाइल और मेरे हेयर स्टाइल्स की वीडियोज आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताया कीजिए, ताकि मुझे अच्छा लगता है आप लोग कमेंट करते हो तो, और मुझे मोटिवेशन मिलता है जिससे मैं और भी अच्छी अच्छी हेयर स्टाइल्स की वीडियोज आप लोग के लिए लेकर आती हूँ। तो ये है फ्रंट का लुक। और ये है हमारा बैक का लुक। तो कैसी लगी आप लोग को हेयर स्टाइल? और ये जैसे बेबी हेयर दिख रहे हैं इसके लिए आप सेटिंग स्प्रे ले लो। एक कॉम से अच्छे से इसको ऊपर की तरफ इस तरीके से सिक्योर कर लो। बैक साइड के हेयर को भी, जिससे कि आपका हेयर स्टाइल थोड़ा सा अच्छा दिखे और बेबी हेयर्स बाहर ना आए। तो यहाँ से थोड़े से हेयर मेरे ये दब गए थे जिसकी वजह से ये हमारा अच्छा नहीं दिख रहा था, तो इसको मैंने निकाल लिया है जिससे हमारा हेयर स्टाइल और भी अच्छा और खूबसूरत सा लुक आ गया है। तो आपको कौन सा हेयर स्टाइल सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मुझे ऐसी सपोर्ट करते रहिए ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े और मैं अच्छी अच्छी वीडियोज़ आप लोग के लिए लेकर आ पाऊँ पतले हल्के बालों में। जैसे कि आजकल सबके बाल झड़ते जा रहे हैं, तो मेरी वीडियो से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी उन लोगों को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।